सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल को आल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम, एजुकेशन इन्फो टीवी में खुश आमदीद। एजुकेशन के हवाले से अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊँगा कि डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कल बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 21 अप्रैल 2021 को सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मतलब 25% तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से आज मीटिंग होनी थी। तो इस मीटिंग के हवाले से इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या कुछ ना हुआ, जिसकी कंप्लीट कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, अगर कोई बात समझना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर जारी किया गया था 20 अप्रैल 2021 को, जिसमें कहा गया था कि 21 अप्रैल 2021 को एक मीटिंग होनी है सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने के हवाले से। लेकिन आज मीटिंग ना हो सकी क्योंकि वज़ीर आला की अहम तरीन मीटिंग थी, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के मुलाजमीन के दरमियान मीटिंग ना हो सकी और जिसकी वजह से इस मीटिंग को मुलतवी करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब देखें ये मीटिंग कब होती है और क्या सरकारी मुलाजमीन को 25% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा टीचर हजरात, ख़ास तौर पर केपी के, सिंध और बलूचिस्तान के टीचर्स बार बार कमेंट्स में मुझसे ये पूछते हैं कि सर डिस्पैरिटी अलाउंस का केपी के या सिंध में कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हुकूमत ने एक नई पॉलिसी बनाई हुई है कि वफाक के अलावा जितने भी सूबाई मुलाजमीन हैं उनको जो डिस्पैरिटी अलाउंस है 25% मिसाल के तौर पर जो तनख्वाहों में इजाफा होगा वो बजट में किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन को 25% इजाफा तनख्वाह के साथ दिया जाए और एक या दो अधा को बेसिक में जम किया जाए। अब तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से जो मीटिंग होनी थी आज की तारीख में वो ना हो सकी, उसको अगली डेट में शिफ्ट कर दिया गया। अब देखते हैं इस मीटिंग में क्या फैसले किए जाएंगे कि सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन कभी अमकान यही है कि जो मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा अलाउंस की सूरत में वो बजट में ही दिया जाएगा, बजट 2021 और 22 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह।